Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Dutta and I'm super excited to share CA Pooja Chaturvedi's story today. I met her in office और मैं एक डेढ़ साल से कुछ पूजा को जानती हूँ जिसमें कि पूजा ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लाइफ में अभी पिछले एक साल में ही. सो अभी लोग मुझसे बहुत पूछते रहते हैं कैसे करें कैसे करें. मुझे लगा कि पूजा की स्टोरी एक एग्जाम्पल बन सकती है कि आप कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के बावजूद. सो ओवर टू पूजा नाउ. पूजा से सुनते हैं पूजा की कहानी पूजा की जुबानी. ओवर टू यू पूजा. हाय नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी. और सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ 2015 से. जब 12th का रिजल्ट आया तो 94% मुझे मिले थे, तो थोड़ा सीए करना है. सीपीटी हुआ, आईपीसीसी हुआ, पर मुझे ना साथ में रेगुलर कॉलेज भी ज्वाइन करना था डीयू से. मतलब शुरू से था ही, जहाँ मैंने कोचिंग के लिए एनरोल किया आईपीसीसी की, तो वो सब टीचर्स बोलते हैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देना चाहिए, मतलब तुम्हारे लिए सीए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो तब थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कैसे मैनेज होगा सब कुछ. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैंने जो छान लिया मुझे तो करना है रेगुलर कॉलेज से, और आईपीसीसी भी करना है. और मैंने फिर क्या करती थी, क्योंकि 75% अटेंडेंस ड्यू में मस्ट है, उससे नीचे हो तो फिर पेरेंट्स वगैरह को बुलाते हैं, फिर थोड़ा सा वो एडमिट कार्ड देने में करते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने इवनिंग कोचिंग ली. तो मैं सुबह 7:30 बजे निकलती थी घर से, और मैं फिर कॉलेज अटेंड करती थी 12 बजे तक. वहां से मैं निकल के फिर 1:30-2 बजे तक मैं पहुंचती थी अकाउंट्स क्लास के लिए, मिगलानी क्लास. 2 से 5 मेरी वो होती थी, फिर 5 to 7:30 मेरी कॉस्टिंग की या फिर टैक्स की क्लास होती थी ऑल्टरनेट डेज पे. तो मैं घर आती थी 8 बजे. तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी होती थी ट्रैवल कर करके. उसके बाद जब मैं घर आती थी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया अपना, कुछ खाया पिया, और फिर मैं अपनी होमवर्क, क्योंकि वो मस्त था, मुझे लगता था कि वो मैं अगर नहीं करूंगी तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी. तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर तो निकाल लिया था, पर जब मेरा फर्स्ट ग्रुप हुआ तो उसमें भी मैं क्लियर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया. और एग्जाम्स भी ऐसे थे कि मैंने इसलिए फर्स्ट ग्रुप दिया क्योंकि 10th से मेरे बीकॉम के थे और 9th तक सीए के थे, और मेरे पास एडमिट कार्ड तक नहीं था 9th तक. मैं वो भी 10th को लाने गई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो टीचर बोल, तुम्हें याद है क्या तुम्हारे एग्जाम में. तो 10th से मेरे बीकॉम के एग्जाम्स हुए, तो ठीक है वो तो निकल गया. बट असली प्रॉब्लम मेरे को शुरू हुई जब मैं सेकंड ग्रुप दे रही थी, क्योंकि वहाँ सब मॉर्निंग कोचिंग थी, तो मैं कॉलेज में अटेंड नहीं कर पाई. अब वहाँ टीचर ने मेरा रोल नंबर एकदम से ग्रुप पे आया कि ये वाले रोल नंबर आकर के रिपोर्ट करें कॉलेज में. तो मैं गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें हम नहीं देने वाले एडमिट कार्ड, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत छुट्टी ले ली है. अब मैं वहाँ सीए का बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैंने एडमिशन टाइम पे जब बोला था तो उन्होंने बोला तुम हमारे कॉलेज का रिजल्ट खराब करोगी अगर तुम साथ में सीए करोगी, तो हम नहीं, ठीक है तुम चूज कर लो पहले अभी है. तो मैंने बोल दिया था नहीं 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 करनी मुझे सीए. तो ऐसे चलता गया. फिर उसके बाद मेरे पापा को उन्होंने कॉल किया कि आप आइए, और ये मेरे पापा ने क्या क्या बोला कि उस टाइम मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो पापा ने ये सब बोला कि इसको ये मैनेज करना पड़ता है. जैसे तैसे मेरे को एडमिट कार्ड मिल गया, और मैंने ये 3 साल बस निकाले. बट मेरे आईपीसीसी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, हो सकती है चीजें मैनेज, क्योंकि फाइनल की प्रिपरेशन करती है. हाँ, तो जो सारे लोग पूछते रहते हैं कि दीदी बताइए कॉलेज के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैनेजेबल चीज है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल. ओके, तो आगे की कहानी कह रहे हैं, ये अब पूजा ग्रेजुएट हो चुकी हैं, ग्रुप क्लियर हो चुके हैं आईपीसीसी के दो, आगे आगे फिर जैसे मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया था जब मेरे आईपीसीसी के बोथ ग्रुप्स क्लियर हुए थे, तो लास्ट सेमेस्टर मैंने करके फिर मैंने आर्टिकलशिप के लिए एनरोल किया. आर्टिकलशिप चलती गई जुलाई, फिर जब 2021 आया तो 14 फरवरी से मुझे छुट्टियां लेनी थी मेरी प्रिपरेशन के लिए. ये तो मैंने सोचा था कि मुझे फर्स्ट ग्रुप देना है जुलाई मई अटेम्प्ट में, तब यही था कि मई अटेम्प्ट होगा. बट क्या हुआ, 14 फरवरी को ही मेरे नाना जी की डेथ हो गई और सब चीजें इधर उधर 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 हो गई. 14 से 15 दिन के बाद जब मेरी मम्मी भी घर पे आ गई थी, सब कुछ थोड़ा सा ठीक होने लगा था, तो मैंने मार्च से अपनी अच्छी खासी पढ़ाई शुरू कर दी थी. मार्च 21 से तो अप्रोक्स 1.5 मंथ्स तक मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी चली, तब सब कुछ ठीक था. फिर कोरोना हमारे घर में आ गया और हम सब कोविड पॉजिटिव थे. तो हमें लगा कि ठीक है, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, लोगों को होता है पर ठीक हो जाते हैं. बट पापा की हालत, मतलब बहुत उनका फीवर हाई, हमने सब कुछ मैनेज किया, हॉस्पिटलाइज हुए, वो डॉक्टर ने भी बोला वो रिकवर कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो पाया. प्लाज्मा वगैरह 12th में को उनको चढ़ गया था, और 13 में सुबह 6 बजे हमारे पास न्यूज आई कि उनका हार्ट रिवाइव नहीं कर रहा.
बस उसी टाइम से मेरा मतलब ये था कि अब जिंदगी खत्म है, अब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब हम लोग इतने टूट चुके थे कि हमें हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं थी अकेले। लॉकडाउन था, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ अवेलेबल नहीं था। जिस का हमने नंबर ले रखा था ऑटो वाले, मतलब कि वो आएगा, उसने बोला था कि मैं आप टेंशन मत लो, मतलब क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये लोगों को अपनी परवाह नहीं होती, ये लोग आपकी हेल्प के लिए बहुत रहते आगे। तो उसका भी फोन स्विच ऑफ था, तो मैं ये नहीं समझ आता हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे। तो बस फिर वहां पहुंच करके फिर जब कुछ हुआ, तब मेरे दिमाग में एग्जाम का मैं भूल चुकी थी, क्योंकि सोच भी नहीं सकते थे। फिर जैसे मैं घर आई, तो घर आते ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम जुलाई में है, 5 जुलाई से एग्जाम है। अब मेरे दिमाग में तो था कि मुझे नहीं देने हैं, बट लोगों ने बोला कि ऐसा मॉक टेस्ट दे दे, ये दे दे, वो दे दे। मैं फर्स्ट एग्जाम देने गई, मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला अपने ऊपर, मैं जैसे तैसे बस एग्जाम ही दिया। सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ एग्जाम में मुझे ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग से वो थॉट ही नहीं निकल रहा था, और मैं पूरे 3 घंटे बस बैठी हूँ बैठी हूँ बैठी हूँ, मेरे दिमाग से वो थॉट निकल ही नहीं रहा एक सेकेंड भी। सबसे मुझे पहले तो वो ही मैं सब विजुअल ये आए सारे जानना अंदर। चाहूंगी पूजा, कि जिस दिन मैंने स्टोरी देखी थी, जिस दिन अंकल लाइक दैट हैपेंड विद अंकल, तो मैंने वो स्टोरी देखी थी, तो आई वाज इन शॉक। मतलब बिल्कुल ऐसा सडन, क्योंकि मैंने पूजा को ऑफिस में देखा है, और मतलब किसी को आप इतना क्लोजली जानते हो और एकदम ऐसा देखो कि किसी के इतनी मेजर लॉस हो गया किसी की लाइफ में। मैं खुद नहीं पढ़ पा रही थी, मेरे जुलाई में एग्जाम थे, मैं खुद उस चीज से इतना इम्पैक्ट हुई थी। तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने किस मेंटल स्टेट में पढ़ाई करी, क्योंकि आप पहले तो आपने पढ़ाई ही कैसे करी उस मेंटल स्टेट में, क्योंकि बहुत ये ऐसी चीज है, मतलब कैसे गैदर तो ये करा करेज। जुलाई 21 तो बस मैंने दिया ही था, मैं कोई पढ़ी नहीं थी आकर के। वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एग्जाम हॉल तक जा रही हूँ और मैं वहां जाके एग्जाम लिख रही हूँ। उसके बाद जब लास्ट एग्जाम में ऐसा हुआ, तो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया। आते ही मैंने घर आके अपनी सारी चीजें मैंने बस प्रिंट आउट करी लिंक्डइन पे, मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भरी थी। जब मैंने लिंक्डइन पे वो सब डाला, तो मेरे पास किसी का मैसेज आया कि मतलब मैं ग्रुप 2 के लिए तुम्हें असिस्ट करूंगा, और मैं बहुत मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, मेंटर करता हूँ, तो अगर तुम्हें चाहिए तो। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। वहां से लेके मेरे दिसंबर के लास्ट एग्जाम तक उन्होंने मुझे मेंटर किया। उन्होंने मेरे लिए एक That's स्टडी amazing. प्लानर बनाया, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी को ट्रैक कर सको, क्योंकि हम बीच में भूल जाते हैं, 5 6 दिन ऐसे ही निकल गए, और फिर हमें रियलाइज होता है, फिर हम उस गिल्ट में चले जाते हैं अगले 5 6 दिन के लिए, उसके बाद वहां से वापस आते हैं। पर मेरी लाइफ में उस वक्त और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, कि मैं मतलब जो भी ऑफिस के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, कि यहाँ से ही कुछ हो जाए, कोविड वालों के लिए ये वो, तो बहुत कुछ चल रहा था। तो मैं दिन में ये सब करती थी, रात को आगे पढ़ाई करती थी। उस पर भी मुझे मतलब ये था कि 2 बज जाते थे, तो मुझे ऐसे, क्योंकि मेरे पापा जब मैं 2 2.5 बजे तक पढ़ती थी ना, तो बीच में चक्कर लगाना जरूर आते थे कि क्या कर रही है सही है। तो आगे मतलब आए के उन्होंने घड़ी देखी और वो चले गए कि हाँ इतनी देर तक पढ़ रही है। तो मैं इतना मिस करती थी कि वो आए और देखे मुझे, पर मुझे पता था वो चीज होने वाली नहीं है। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने सोचा कि यार इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, बस अब एक ही चीज पर फोकस करना है कि उनका सपना पूरा कर। मैंने वहां से अपना ग्रुप 2 बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ग्रुप 2 की, ना मेरे पास बुक्स थी ना कुछ भी सिलेबस, और मुझे ये तक इतना प्रेशर था कि खुद करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है। और फिर मुझे कैसे मैं कर पाऊंगी, लोग इतने इतने टाइम से पढ़ाई करते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। फिर मैंने 25 जुलाई से SCMP उठाई, जिसमें मैंने निकिता मैम के फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, तो मैंने उनसे पूरी क्लासेस ली। स्टडी मटेरियल के अलावा मैंने कुछ नहीं छुआ, स्टडी मटेरियल ही है सब कुछ, और केस स्टडी डाइजेस्ट। तो ऐसे मेरा SCMP हुआ। उसके बाद मैंने साथ में DT की बीबी सर की फास्ट ट्रैक क्लासेस ली थी। तो बीबी सर की क्लासेस लेने के बाद फिर मेरी वो चलती गई साइड बाय साइड, और IDT का फिर मैंने स्टार्ट किया, वो भी सेल्फ। IDT मेरे लिए सेल्फ बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल एकदम से पढ़ना था इतना सारा सिलेबस। मुझे लगा कि इतनी 3 मॉड्यूल तो GST किया, फिर कस्टम किया, और सब खुद से पढ़ना है। तो मैंने पहले क्या करा, ऐसी रीडिंग लगाई GST की, मुझे लगा मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैंने देखा नहीं, मुझे समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं चीजों को पढ़ पा रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने उनको पढ़ा, फिर मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियो से हेल्प ली। बट मैंने ये देखा है कि अगर बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं, तो हार्ड वर्क के साथ साथ ना कुछ स्मार्ट वर्क, कुछ ऐसे टिप्स वगैरह करनी पड़ेंगी, क्योंकि खाली हार्ड वर्क से नहीं होने वाला है अगर आपके पास इतना कम टाइम है। तो मैंने जितना जिस जो था ना, उसको उतनी इज्जत दी है। मैंने ये दिन नहीं निकाल दिया, जैसे FTP है, वो 5 मार्क्स का आता है, तो मैं उसमें पूरा दिन नहीं दे रही हूँ अपना, क्योंकि मुझे पता है वो 5 मार्क्स का, इससे बेटर तो मैं उतना टाइम किसी और में लगाऊं जिसमें
अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। तो इस तरीके से मैंने IDT प्रिपेयर किया था। फर्स्ट टाइम मैं सब कुछ करने की कोशिश की थी, बट सेकेंड टाइम में नहीं किया था सब कुछ, बस बहुत अपने पास। पर मैंने पहले रिवीजन में ही मार्क इतना अच्छा कर लिया था ना, इम्पोर्टेंट वगैरह या जो भी होते हैं ABC कैटेगरी वगैरह देख करके, कि मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई थी सेकेंड रिवीजन में, इसलिए वो जल्दी हो गया था। तो इस तरीके से मेरा चला। फिर सितंबर में रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ क्लियर, जो कि मुझे पता था अंदर से। तो फिर उसके बाद मुझे था कि अब बोथ ग्रुप्स कैसे करूंगी मैं, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन चल रही है, फर्स्ट टाइम है तो अभी इतनी जल्दी तो वो भी नहीं खत्म होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा एक काम करते हैं, सितंबर तक मैं सेकंड ग्रुप को जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना दूंगी, मैं अपने ऊपर इतना फालतू का प्रेशर नहीं लेने वाली। फिर अक्टूबर से मैं फर्स्ट ग्रुप पे जाऊंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा पहले पड़ा हुआ है, तो वो शायद मुझे याद आता चला जाए, और नवंबर में फिर देखते हैं कि कैसे प्लानिंग करनी है। तो मैंने ना बिल्कुल ऐसे नहीं सोचा था कि फ्यूचर में क्या होगा, मैंने कहा भाई अभी रहो, क्योंकि अभी मेरे लिए पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, और इसमें मैं अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल लूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आगे। तो फिर मैंने सेकंड ग्रुप के साथ कंटिन्यू करा, ये सोचते हुए कि ठीक है फर्स्ट ग्रुप अभी अक्टूबर में आएगा, मैं नहीं करना है इसके लिए। सितंबर तक मेरे कुछ चीजें रह गई थी, इलेक्टिव मैंने नहीं छू पाई थी, DT की थोड़ी क्लासेस रह गई थी, ऑल दो फास्ट ट्रैक बैच था बट फिर भी रह गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर में उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रुप को वापस लेना शुरू किया। मैंने 8 days पर सब्जेक्ट दिए इस तरीके से मैंने किया, या फिर मैं 15-15 ले देती थी तो 2 सब्जेक्ट एक साथ ले लेती थी अगर मुझे रिवीजन करना होता था लास्ट। तो अक्टूबर मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को दिया, फिर नवंबर में मैंने वापस सेकंड ग्रुप लिया, बट उस टाइम मेरे पास सेकंड रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं था, मुझे 2-2, 3-3 दिन देने पड़े उनको, और दो फर्स्ट ग्रुप नहीं पढ़ा था ना अभी देने के बाद, क्योंकि मुझे वापस अक्टूबर में पढ़ा है मैंने फर्स्ट ग्रुप। तो मैंने मार्च अप्रैल में पढ़ा था 1.5 months का पूरा, मुझे एकदम से रिकॉल करने में इतनी मुश्किल हुई, और फिर अमेंडमेंट्स देखना उस टाइम पे, सब कुछ देखना, अपनी वो निकालना। तो वो अक्टूबर का मंथ मतलब मेरे लिए ऐसा क्या कि बहुत, कि क्या कर रही हूँ मैं, दिन में वहां जा रही हूँ, रात को पढ़ रही हूँ, इतनी मैं रो रो के मैंने वो निकाला। मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, बस अपना अच्छा सा मुझे बस पढ़ना है, और इस टाइम इसी चीज पे मुझे दिमाग लगाना है, बाकी मैं कुछ नहीं सोचने वाली हूँ कि आगे रिजल्ट क्या होगा। फिर नवंबर में मैंने, जब मुझे पता था कि मुझे दोनों ग्रुप्स का रिवीजन करना है, जिसमें सेकंड ग्रुप का मेरा, मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने नवंबर में फिर बोथ ग्रुप्स का मतलब मैंने रिवीजन शुरू किया। उसमें मैं मैक्सिमम 2-3 days दे पाई हर सब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे था कि मुझे मॉक टेस्ट लिखना है, मतलब हर सब्जेक्ट का एक MPP मुझे लिख के देखना है, क्योंकि ये मैंने जुलाई में भी फेस किया था, ऑल दो सिचुएशन अलग थी उस वक्त की, पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मतलब मुझे पता है बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है उसको प्रेजेंट कैसे करना है लॉ में। पता है ये चीज मैं तो अभी सबको बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर लिखो, हम वेट करते हैं कि जिस दिन हम प्रिपेयर होंगे तब सारा मॉक टेस्ट लिखेंगे, पर अभी मैं अपने सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि पूजा ने कैसी सिचुएशन में इतने कम टाइम में पढ़ाई करी, बट स्टिल शी मेड श्योर कि मैं मॉक टेस्ट जरूर लिख लूं, और आपको उसका बेनिफिट भी दिखा होगा पूजा अपने रिजल्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, और मॉक टेस्ट लिखना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सब्जेक्ट का ही लिख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे आता है क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा, क्योंकि वो रिपीटेड था, बट फिर भी जब मैं उसको लिख रही थी तो लास्ट में आते मुझे लगा कि मैं कहीं स्टक हो गई हूँ, कुछ भूल रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है मुझे, ऐसे ही मुझे लॉ में लगा कि मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही। फिर मैंने तुरंत स्टडी मटेरियल देखा कि वो कैसे लिखते हैं, उसके बाद जब मैंने बाकी क्वेश्चन उस हिसाब से करे तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा पूछा यार, आपने कोई पेड टेस्ट, बहुत लोग जैसे पूछते हैं कि नहीं, हम नहीं, कोई पेड टेस्ट सीरीज लें क्या, कैसे मॉक टेस्ट करें आपने, ICI वाले? नहीं नहीं ICI वाले कोई पेड टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, ICI के मॉक टेस्ट पेपर लिखो, और अगर कोई फ्रेंड है तो उनसे चेक करा लो, वरना खुद भी बहुत अच्छी चेकिंग कर सकते हैं हम, तो इतने अपने आप को हम भी जानते हैं कि हमने कितना किया, इतना चेकिंग तो हम कर ही सकते हैं कि कितना किया है। तो मेरे हिसाब से ICI का मॉक टेस्ट बेस्ट है, कोई पेड सीरीज में अपने टेस्ट सीरीज में अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, तो इस तरीके से MTP वगैरह वगैरह दिया। तो फिर आपका ग्रुप 1 भी मैनेज हो गया, ग्रुप 2 का हो गया? हाँ ग्रुप 1 में, हाँ ग्रुप 2 में मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि रिविजन बहुत कम हुए थे ग्रुप 1 का, स्टिल मेरे पास मैंने RTP MTPs कर रखी थी तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, बट ग्रुप 2 का मेरे पास कुछ करने का ही टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ जो उस अटेम्प्ट की थी और जो प्रीवियस अटेम्प्ट की थी वो भी ऐसे ऑडिट में देखी थी, मतलब मैं सिर्फ देख रही हूँ क्वेश्चन की, कुछ आ गया तो मैं थोड़ा बहुत लिख लूँ। हाँ बट ये है कि मैंने जो किया वो अच्छे से किया, उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि हाँ ये छोड़ देती हूँ कि वो छोड़। तो पूजा ये तो आपने काफी सारी स्टडी टिप्स दी कि कैसे स्मार्ट स्टडी टिप्स कर सकते हैं, ये पढ़ाई वाली बात हुई, उसके अलावा आपने मेंटल लेवल पे चीजें कैसे संभाली, क्योंकि
आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कोई ऐसे कि अंकल के एकदम बाद जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगे कि बींग एल्डर ब्रदर या सिस्टर मुझ पर आ गई है, मेरा कोई यंगर भाई बहन है, मम्मी है मेरी, तो वो मेंटल प्रेशर के साथ आपने कैसे पढ़ाई करी? क्योंकि हम जो हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत चीजें सही है तब भी हमें लगता है कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमें चिंता हो रही है, उस मेंटल प्रेशर के साथ आपने मतलब कैसे खुद को संभाला? तो वो मेंटल प्रेशर तो जब से चल ही रहा था मेरे 21 से, और मैं जब फेस ही कर रही थी, तो उसके बाद मुझे धीरे 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 मैंने जब मैं खाली बैठती थी ना, तो वो टाइम मुझे बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा जो मैं नॉर्मल से ज्यादा कुछ कर रही हूँ उससे ज्यादा मुझे वो करता था। जैसे मैं ऑटो से अगर कहीं जा रही हूँ, मैं अगर डीएम ऑफिस वगैरह जा रही हूँ, तो मुझे ऑटो में भी वही ख्याल आए जा रहे हैं और मैं बस कंट्रोल कर रही हूँ। तो जब ये सब चलता गया अगस्त तक, सितंबर तक, तो मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मुझे अपने आप को बहुत शांति बहुत देने की जरूरत है। तो मैंने अपनी बस मेडिटेशन शुरू किया, मैंने ये चीज शुरू करी कि बस मुझे बहुत शांति मतलब ऐसी चाहिए। मैंने वो काम करने शुरू किया जिसमें मुझे अच्छा लगने लगा। मैं क्या करती थी, मैं चीजों को लिख के निकालने लगती थी। मुझे जब भी कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें आने लगती थी, तो मैंने बिल्कुल लिख लिख के सब कुछ निकाल दिया था। चाहे फिर मैंने बाद में वो आईसीए न्यूज लेटर में अपनी पोएट्री दी, और मतलब अमर उजाला काव्य में भी अपनी पोएट्रीज वगैरह दी, तो वहां पे वो पब्लिश हुई। वो चीज बाद में हुई, बट पहले मैं अपनी डायरी में वो चीज लिखती रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी चीजें निकाल रही हूँ, और जितना मैं निकाल रही हूँ उतना मैं हल्का फील कर रही हूँ। और जहां मुझे ये रियलाइज होना शुरू हो गया, तो फिर मेरे मन से वो चीजें निकलती चली गई, और फिर मुझे वो हुआ कि अब आगे का सोचना है, और उसके लिए मुझे अब कैसे भी करके वो करेज गैदर करना पड़ेगा कि अब मुझे पढ़ना है। क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन मेरे फिर मम्मी और मेरा भाई था, तो मैं मम्मी को देखती थी कि मम्मी मम्मी कैसे इतना करेज गैदर कर रही है, कि मतलब वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, सारी चीजें घर का सारा काम कर रही है उस चीज में, जब उनका दिमाग कहीं और नहीं लग रहा था। पूरे दिन वो रो रही थी क्योंकि नाना जी के डेथ के बाद फिर एकदम से पापा के, तो उन्होंने भी दो लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं शायद एक लड़की की लाइफ में, तो एक साथ खोया था 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो उन्हें देख के मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। तो इसी तरीके से फिर मैं ये सोचती थी मेरे पापा ऊपर से देख रहे हैं, वो मेरे साथ है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि 1 साल तक घर में ही रहते हैं डेथ के बाद भी, जब भी हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो इसलिए तो हमने मान लिया था कि वो हमारे साथ हैं, फिजिकली नहीं है बट कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से हैं। बस इसी तरीके से मैंने अपने आपको समझाते हुए वो चीजें अब जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करी, और मैं एग्जाम तक पहुंच गई। तो फिर दिसंबर में एग्जाम शुरू हुए। अब मैं एग्जाम्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि पहले जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम 1.5 डेज का सोचते नहीं है कि उसमें क्या करेंगे, और असली चीज ना वही होती है क्योंकि पहले तो 3-4 महीने हम आराम से पढ़ लेते हैं, बट हमारे पास कोई लास्ट डे प्लान नहीं होते, कोई नोट्स नहीं होते कि 1.5 डेज में किस तरीके से करना है। और बहुत लोगों से मैंने सुना था जब मैं एग्जाम के लिए वो कर रही थी कि सिर्फ 4 घंटे सोए, सिर्फ 3 घंटे सोए, मतलब उनको लग रहा था कि बहुत ही नॉर्मल है ये तो, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपको 6 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपको 16 दिन निकालने हैं अपने हाँ, दिमाग वो का, तो एग्जाम, सोचो वो वो एग्जाम में आपके दिमाग साथ। ना, दिमाग प्रोसेस ही नहीं करेगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने वेल रेस्टेड नहीं है आपका दिमाग तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही चीज लोग करते हैं, और फिर जब लास्ट एग्जाम तक पहुंचते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती, वो कुछ रिकॉल नहीं कर पाते, या फिर उनकी बस अपनी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर क्या होता है, पेपर ही नहीं दे पाते हो। तो क्यों ऐसा करना, अपने फर्स्ट डे से ही अपनी चीजें सोच के रखनी है। आपके पास कुछ लास्ट डे रिविजन नोट्स या आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, आपने पहले से सोच रखा हो कि इस तरीके से 1.5 डेज में मुझे प्लानिंग करनी है, तो अब उसके नोट्स वगैरह चाहिए। तो जिन सर ने मुझे मेंटर किया था, उनका टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर भी वो मतलब बहुत सारी चीजें फ्री रिसोर्सेस सब कुछ डालते रहते हैं, और मुझे लगता है कि उससे ना सेल्फ नाम, स्टडी से आराम से वो क्लियर कर सकते इफ हैं। यू वांट टू मेंशन हिज नेम तो यू सीए कैन। डेमस्टिफाइड, सीए ओके डेमस्टिफाइड उनके चैनल का नाम है, ओके और सीए उत्तम कलिका सर है उनका नाम। लिंक्डइन पे भी आप उनके साथ कनेक्शन कर सकते हो, और ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है लोगों को ये भी लगने लगता है कि भाई प्रमोट हाँ, कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है किसी चीज में अगर ये। आपकी हाँ जेन्युइनली हेल्प करी, सो आई वांटेड कि अगर किसी को हेल्प चाहिए बिल्कुल हो बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं उनको। बिल्कुल, और उन्होंने पूरा मतलब पूरा स्टडी प्लानर मेरे लिए बनाया था, और उन्होंने आज शायद टेलीग्राम पे कल शेयर भी किया है, उसमें नंबर ऑफ आवर्स है, तो उसमें सब लिखा था कि मैंने जुलाई में कितने पढ़ाई करी और कितने सब्जेक्ट को कितने कितने घंटे दिए। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ, जैसे लोग मेरे पास कल भी किसी का कॉल आया था कि इलेक्टिव का कैसे करें, इलेक्टिव का कैसे करें, या जो ओल्ड कोर्स से न्यू में कन्वर्ट हुए हैं उनको एससीएमपी बहुत बड़ा खौफ लग रहा है कि बाकी सब तो हम देख लेंगे, बट तो मेरे पास उसके लिए भी आया कि कैसे आपने 66 मार्क्स स्कोर किया एससीएमपी में, एस सी एम यू मतलब हमने 66, कोचिंग लिया दैट्स बट फिर भी क्रेजी। वो कॉन्फिडेंस,
तो हमने कोचिंग लिया, फिर भी वो नहीं आ पा रहा है. तो मैंने बोला कि, और उन सबसे बात करके मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि वो फैकल्टी की जो बुक्स है ना उन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे रादर देन अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल. तो मैंने यही बोला कि भाई मैंने ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ा था और थर्ड मॉड्यूल को भी उतनी इज्जत दी थी उसकी केस स्टडीज को और एक केस एग्जैक्टली स्टडी डाइजेस्ट. हाँ बस मैंने वही किया था, मैंने कोई इतना सारा कुछ एकदम से नहीं उठा लिया था. और दूसरी चीज, जैसे हम देखते हैं कि कॉस्टिंग के एग्जाम में थ्योरी पोर्शन काफी ज्यादा कर दिया, 80% थ्योरी है और 20% प्रैक्टिकल है. तो उसमें अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो साथ में थ्योरी लिखनी जरूरी है लास्ट में. जैसे यानी कि कोई आंसर निकाल के छोड़ दिया, उसमें हाँ एक्सप्लेन करना है कि इसमें ये आया तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. जैसे ओई का क्वेश्चन आया था 2021 एग्जाम में, तो उसमें ये था कि अवेलेबिलिटी रेशियोज और रेशियोज होते हैं तो उसमें किसमें क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है. तो मैंने वो पॉइंट्स लिखे थे और जो वो मुझे वही आता लिख था वो मैंने सकता है पहले जिस किया था. जिसने स्टडी मैट पढ़ा है ना, ये सब वही ढंग से लिख सकता है। क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल स्टडी मैट ही पढ़ के बिल्कुल गई थी, बिल्कुल. तो मुझे पता था कि हर चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है उसकी, तो इसलिए स्टडी मैट बहुत जरूरी बिल्कुल है। आप फैकल्टी जिनसे पढ़ रहे हैं पढ़िए, पर प्लीज स्टडी मैट को बहुत इज्जत दीजिए। वही हमारी बाइबल, गीता, कुरान, सब वही है, उसको इज्जत दीजिए। जो आप मानते हैं बस वही है सब बस कुछ. वही सब यही मान कुछ लो, इंस्टीट्यूट भी उतनी इज्जत देगा जितनी इज्जत आप स्टडी मटेरियल को दोगे, उतनी इज्जत आपके मार्क्स को मिल जाएगी. बस फिर वही चीज पूछा है. तो स्टडी मटेरियल पे फोकस रखिए. एग्जाम के बाद फिर क्या करा आपने? एग्जाम के बाद तो मेरे पास, मतलब मैंने कहीं सी ऑफिस ज्वाइन किया, तो वहां मैंने थोड़े टाइम के लिए वहां ज्वाइनिंग करी. और जो मेरे कुछ काम ऐसे थे जो मुझे करने थे और मैं एग्जाम्स की वजह से नहीं कर पाई थी तब उस पीरियड में, नहीं भाई फॉर्मेलिटीज ऑफिस रिलेटेड, तो वही सब मैंने फिर पूरा किया और ऑफिस ज्वाइन किया. उसके बाद फैब में कहीं जो मतलब मथुरा जाना पड़ा था, मेरे किसी कजन की वेडिंग थी, वहां से मैं वापस आई, रिजल्ट की नोटिफिकेशन आ गई. तो रिजल्ट की नोटिफिकेशन थी, 10th को रिजल्ट है. तो मेरे दिमाग में बस यही चीज चल रही थी कि फर्स्ट ग्रुप तो अच्छा गया है, मतलब सेकंड ग्रुप में भी ठीक थी वो, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार कैसे इतना कम पड़ गया आएगा. फिर जब रिजल्ट आया तो 45 मिनट्स तक मेरा रिजल्ट ही नहीं खुला और सब लोग सोच रहे ये तो रह गई, ये तो रह गई. इधर से भी कॉल आ रहे हैं, मतलब वो सर भी ने भी मुझे मतलब भेजा कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या, उनको खुल ही नहीं रहा है रिजल्ट. फिर मेरा रोल नंबर देने का जो बिल्कुल मन नहीं था, मैंने दिया किसी को, दो तीन लोगों को दिया, और वहां से मुझे पता चला कि पास हो गई मैं. तो मैं पूछ रही हूँ बहुत ग्रुप्स, बहुत ग्रुप्स, मुझे पहले रिजल्ट भेजो, मुझे विश्वास नहीं हो पास हो गई. फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो रिजल्ट के देखा, फिर मेरे पास भी वो खुल गया और फिर मैंने देखा ऊपर पास नीचे पास पास. मैंने क्या हो गया. और मैं फिर 3 घंटे 4 घंटे फोन आ रहे हैं और हम रो रहे हैं, मैं मम्मी रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रोना ही नहीं रुक रहा था क्योंकि हम पापा को इतना मिस कर रहे थे. क्योंकि अगर वो होते तो उनकी खुशी के तो पता नहीं क्या ही लेवल होता, बस हम सोच भी नहीं सकते थे, बस ये इमेजिन कर रहे थे कि वो कितना खुश होते आज. बस वो रोना फिर ऐसे ही चलता गया, और फिर 2-3 दिन तक तो मुझे ये लगा कि बस ये बन गए, सीए बन गए, सीए बन गए. तो ये सब ऐसा था, बहुत अच्छा, मतलब वो मोमेंट अलग ही होता है. सही में तो पूजा ने कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई हैं। जैसे कुछ, सबसे पहले पूजा ने बोला है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स लिखने बहुत जरूरी हैं। आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आईसीआई के मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। आईसीआई के मटेरियल को प्लीज बहुत बहुत इज्जत दीजिए। और उसके बाद रिविजन्स अपने प्रॉपर प्लान करिए। आपके पास एक स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बनाकर दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं बना रहा है तो आप अपने हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाए। ये हुई पढ़ाई वाली बात। पढ़ाई के अलावा अगर लाइफ की कोई भी सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, आप परेशान हैं, तो आपको उसे सबसे पहले वेंट आउट करना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर से वो निकले। वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लिखें उस चीज को, अपने अंदर से, दिमाग से निकालें उसको, वो करें, मेडिटेशन करें। आपको शांत रहना है, बहुत ज्यादा शांत रहेंगे तभी आगे की चीजें कर पाएंगे। और आपको ना पास्ट में उलझ के रहना है, क्योंकि जो पूजा ने जो सिचुएशन फेस करी, वो अगर पास्ट ही सोचती रहती तो शायद वो पढ़ ही ना पाती। या अगर मेरा, मैं पास होंगी नहीं होंगी, आगे क्या होगा, कैसे मेरी लाइफ की सिचुएशन कैसी जाएंगी, वही सोचती रहती तो भी ना पढ़ पाती। तो शी वॉज ऑल फोकस्ड कि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इसका जरूर पूरा पूरा ध्यान दें। सीए पूजा चतुर्वेदी ने अब अपने आगे जॉब के लिए क्या करा? ओवर टू पूजा नाउ। तो क्या था कि 2-3 दिन तक तो वही चल रहा था, थोड़ा रिजल्ट का ही खुशी खुशी में चल रहा था. उसके बाद क्या हुआ कि कैंपस के लिए अप्लाई करते, जैसे तो मैंने भी करा, 22 से शायद कैंपस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे, तो मैंने वो कैंपस के लिए रजिस्टर किया. फिर उसके बाद 12 कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, तो
तो मुझे लगा अच्छा है, फिर मैंने कोई चार कंपनीज में कंसेंट दे दिया था, तो मुझे लगा सब कुछ अच्छा है, पीडब्ल्यूसी थी, डिलॉयट थी और दो थी, तो मैंने उनका कंसेंट दिया। अब मैं तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही, 15 को मेरे इंटरव्यू थे और चारों के 15 को ही थे, तो मुझे लगा पहले तो पता नहीं कैसे मैनेज होंगे, फिर मैंने कहा देखेंगे जब का तब होगा, जब इंटरव्यू के आएगा टाइमिंग तब देखेंगे क्या होता है। और मैं 14th को रात को बैठी हूँ, कोई मेल ही नहीं आ रही है मेरे पास, ना किसी का रोस्टर आ रहा है, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे किसी की पोस्ट देखी और उसने बोला कि मेरे 14th को सारे इंटरव्यू थे और मेरे पास अभी तक मेल नहीं आई। तो मैंने कहा तो 14th की रात है और यही सेम चीज मेरे साथ हो रही है और शायद कल भी ना आई। तो मैंने उसके पोस्ट पे कमेंट किया और वहां पे फिर मुझे पता चला कि काफी लोगों के साथ यही चीज हुई है। और फिर मॉर्निंग तक भी मेरे पास कोई मेल नहीं आई, मैं सुबह 6 बजे से मेल ही चेक कर रही हूँ, तो मेरे तो एकदम से ऐसे मेरा दिल से टूट गया। मैंने कहा यार इतने में तो मैं ऑफ कैंपस कितने शायद इंटरव्यूज वगैरह दे देती, पर थोड़ा लोकेशन का भी मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे यहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं हो रहा था। फिर मैंने कंप्लेन करी, कितनी कंप्लेन करी मैंने कैंपस पे, जो भी मेल आईडी होती है वहां मेल्स करी, मैंने फोन किए, बट फिर मैंने उन्हीं सर से बात करी, तुम सर से क्या ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि तुम रिटर्न में कुछ देखो, फोन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते कि तुमने कितने फोन किए, तो तुमने मेल कितनी करी। तो फिर मैंने काफी मतलब मेल करी, मैंने काउंसिल मेंबर्स को अप्रोच किया, तो मैंने 3-4 काउंसिल मेंबर्स को खूब सारी मेल करी, फिर उनकी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं करती चली गई, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए उनको कि सर ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो कैंपस ऑफिसर थे उनका मेरे पास कॉल आया कि अब जो तुम्हारे हाथ से गई, इनके इंटरव्यू आते ही गई, अब बची हुई जो कंपनीज है ना 8, तुम उसमें से कोई 3 सेलेक्ट कर लो। तो पहले तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे, मतलब मेरी प्रायोरिटी तो कुछ और थी, फिर मैंने कहा कुछ ना से कुछ तो सही, तो मैं बाकी में देखती हूँ। तो वो मुझे नाम बताते गए, प्रोफाइल बताते गए, मैं बताती गई बताती गई, तो एसेंचर थी, एक्विटी थी और शायद मैंने आईसीआईसी बैंक के लिए बोला था, तो ये 3 थी। और इसमें से एसेंचर का इंटरव्यू 17th को था और आईसीआईसी बैंक और एक्विटी का 22 को था, बट मेरे पास कोई मेल नहीं आई एसेंचर की भी। मैंने फिर उनको कंप्लेन की ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला हमने आपका बता दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, स्मॉल सेंटर के इंटरव्यूज का वेट करो। तो मैंने कहा ये क्या, स्मॉल सेंटर में भी अगर यही हुआ तो मैं क्या पागलों की तरह बैठी रहूंगी। मैंने ऑफ कैंपस ऑलरेडी बहुत जगह अप्लाई कर दिया था बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि कैंपस वालों को वो पहले लेते हैं, तो हमारे ना दिमाग में एक प्रेशर और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर, जॉब नहीं लग रही, इतना टाइम हो गया है, सीए बन के हो गया, 1.5 महीना हो गया, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। फिर 18 मार्च को मैं इतनी ज्यादा दुखी में मैंने नेहा से बात करी। नेहा ने बोला कि देखो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेहा ने बोला 3-3.5 महीने लोगों को लग जाते हैं, तो जो चीज मुझे पता थी पर मुझे नेहा से सुन के अच्छा लगा कि नहीं ये भी ये बोल रही है, और क्योंकि सेम फील्ड में इसे देखा है नेहा ने। तो उसके बाद फिर उसने मुझे कोई वीडियोस वगैरह भेजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने वो डेली बेसिस पे पहले ये पूजा ये बताओ कि करी रही थी, ये बताओ कि बिलीव था इस चीज पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब काम करता है, जब मैंने पहली बार कहा तो पहले मैंने कभी कुछ किया नहीं, मुझे ना तुम पे ट्रस्ट था इसलिए मैंने वो वीडियोस देखनी शुरू करी थी, क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, तो फिर मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, जब तक आप खुद नहीं करके देखो तो मतलब लगता है कि हाँ होता होगा, अपनी लाइफ में तो सब वैसे ही बेकार चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रही थी। ऑल्दो रिजल्ट पॉजिटिव था तो उससे मुझे होप आई, मैं बहुत चीजों से बाहर निकली, बट फिर भी एक था कि नहीं अब फिर से वापस मैं उसी में जा रही हूँ, शायद नहीं हो रही है चीजें अच्छी, क्योंकि कैंपस का देख के मैं बहुत ज्यादा वो। फिर उसके बाद मैंने जब वो करा तो मैंने 2-3 दिन वीडियोस देखी, मेरे को बड़ा अच्छे लगने लगा कि सच में ऐसा होता है ऐसा होता है। तो फिर मैंने एक दिन रजिस्टर उठाया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं लिखती गई, मुझे अच्छी जॉब मिली, मुझे अच्छी जॉब मिली, मुझे अच्छी जॉब मिली, और मैं लिखती गई, मैंने 3-4 पेजेस ऐसे भरती चली गई भरती चली गई। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो विश्वास करके बैठ जाते हैं, ऊपर वाले पे छोड़ देता है, थोड़ी देर कुछ ना कुछ हो जाएगा, अगर उन्होंने मुझे पास करा है, मेरा रिजल्ट में पास आया तो कुछ तो अच्छा होगा ही ना, ऐसे तो नहीं कि मैं बैठी रहूंगी बिल्कुल, मुझे थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ, अचानक 21 को रात में मेरे पास मेल आई कि आपका कल इंटरव्यू है एक्विटी नॉलेज पार्टनर से, और मतलब प्रोफाइल थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप प्रोफाइल थी। तो उसका प्रोफाइल पढ़ के पहले मुझे अच्छा सा लगा, फिर मुझे डर भी सा बैठ गया कि मतलब ऑडिट के इंटरव्यू क्वेश्चंस तो यूट्यूब पे आसानी से मिल जाते हैं, मैंने इतना सर्च मारा मुझे नहीं मिल रहा था इक्विटी को। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा मतलब पूछती हूँ एक दो लोगों से कैसे प्रिपेयर करना है इस इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने बोला जॉब प्रोफाइल पढ़ो और जो मतलब तुम्हें वर्ड्स वगैरह मिले बस तुम्हें उससे सब कुछ लिंक करना है। तो मैंने फिर वैल्यूएशन वगैरह जो SFM होता है, मैंने क्या किया था, मैंने लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू कर दिया एक्विटी नॉलेज पार्टनर्स,
फिर उसमें जो जुलाई 21 में लोग अपियर हुए थे ना कैंपस इंटरव्यू में, तो मैंने उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने बोला कि तुम इंटर लेवल की FM और SFM पे जाओ, CA फाइनल लेवल का हो जाएगा सब सेकंड, आई कुछ। वांट टू तो इंटरप्ट इन नेक्स्ट डे इंटरव्यू बिटवीन। था। इससे हमें ये पता चलता है कि लिंक्डइन कितना इफेक्टिव टूल है। पूजा को बिल्कुल मेंटर मिले बिल्कुल। और एग्जाम लिंक के लिए, पूजा को मेंटर मिले लिंक्डइन के थ्रू, पूजा ने जॉब के लिए हेल्प ली बिल्कुल लोगों से लिंक्डइन के थ्रू। अगर आप लिंक्डइन का एक सही इस्तेमाल करें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, सो दैट शुड बी लिंक्डइन। कंटिन्यू पूजा। बिल्कुल बिल्कुल। और लिंक्डइन पे भी मुझे काफी लोगों ने बिग 4 के लिए रेफर कर दिया था, मतलब चाहे PwC हो, डिलॉयट हो, कैंपस। वो अलग बात है कि वो पहले कैंपस वालों को लेते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है एप्लीकेशन आने में, बट उन्होंने रेफर कर दिया था। हाँ, मेरे पास डेलॉयट की जरूर जल्दी मेल आ गई थी इन बिटवीन। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने मुझसे टेक्स्ट था वो प्रोफाइल, तो उन्होंने मुझसे जैसे ही फॉर्म वगैरह का नाम पूछा और ये थोड़ी बहुत चीजें पूछी, मेरे पास तुरंत मेल आ गई, एप्लीकेशन डिक्लाइन। तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है यार, इंटरव्यू तो ले लो ऐसे कैसे। तो तब मैं जा के बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जब फिर मेरे पास 21 को ये मेल आई और 22 को मेरा इंटरव्यू हुआ, 40 मिनट्स तक अब इंटरव्यू चला, काफी अच्छा खासा इंटरव्यू था वो। तो उसके इंटरव्यू के बाद मेरे पास हाफ एन आवर के अंदर मेल आ गई कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, आप सेलेक्ट हो गए हो और आपको कंसेंट दे रही है आपको 11 बजे तक। मेरे को लगा कि यार इतनी जल्दी 2-3 दिन में सब कुछ बदल गया, कहां मैं इतने टाइम से 1.5 महीने से चीजें ढूंढ रही हूँ, कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में। और मतलब इतना ज्यादा अप्लाई वगैरह करने के बाद तो फिर मेरे पास वो मेल आ गई और मैंने कंसेंट दे दी और ऑफर लेटर भी मेरे पास आ गया है। तो इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स के साथ फिर मेरी जॉब लग गई है। उसके वहां कंसेंट देने के बाद भी पूजा के पास 2 जॉब ऑफर और आए। पूजा हाँ, के हाथ में अभी जो भी 2 जॉब ऑफर बिल्कुल और है। बिल्कुल बट बिल्कुल है। उसके बाद भी है, उसके बाद मेरे पास कुछ तो नेक्स्ट ईयर मैजिक इंटरव्यू हुआ हुआ, ना, फिर इंटरव्यू हुआ, कुछ एफर्मेशंस तो लिखने हुआ। से क्योंकि कुछ तो हुआ। पता है होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैजिक है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो वही एक्शंस में लाने लगते हैं और फिर वही रिजल्ट आता है। और जब हम गलत सोचते हैं तो एक्शन भी हमारे वैसे हो जाते हैं, जैसे अब तो ये पढ़ाई होगी ही नहीं तो हम करते ही नहीं और फिर रिजल्ट भी वैसे ही आता है। तो इसी तरीके से वो चलता है, क्योंकि बीच में 2-3 लोगों ने जैसे मुझसे SCMP के लिए पूछा था तो कॉल आ रहे थे, तो वो अभी परसों ही मेरी किसी से बात हुई, वो कहते थे कि हम अटेम्प्ट छोड़ दें, पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने 5-6 दिन ऐसे निकाल दिया इसलिए अटेम्प्ट छोड़ना है। तो मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, अभी मार्च में चल रहा है, मैं मानती हूँ एंड होने वाला है, बट अप्रैल है, मई का तुम्हारे पास सिर्फ सेकंड ग्रुप है, तो मई का भी तुम्हारे पास काफी अच्छा खासा टाइम है, तो मई में जाके डिसाइड करना ना कितनी पढ़ाई हुई है, अभी से क्यों सोचना है इतना। इसीलिए ना सही तो सोच, मैं यही वाली हमेशा यही चीज। बोलती हूँ कि सही सोचना चाहिए। जो मार्च में ही सोच रहा है कि मैं अटेम्प्ट छोड़ दूँ, वो कैसे अप्रैल में पढ़ाई करेगा और वो कैसे मई में पेपर बिल्कुल लिखेगा। इसलिए एटलीस्ट सोचो तो अच्छा, कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम शांति से मई तक पढ़ तो लोगे अच्छा सोच के। वही, तो फिर नवंबर में वही चीज रिपीट होनी है। अगर हम अभी से सोच लेंगे अटेम्प्ट छोड़ना है तो नवंबर में फिर पढ़ाई नहीं होगी स्टार्टिंग में, और फिर हम बहुत लोगों सोचेंगे ने नवंबर मुझे में अभी क्या छोड़ दो, कहा वो कि चलता रहेगा। बहुत लोगों ने लाइक मेनी मेनी पीपल रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि हम ना नवंबर में ना रैंक के लिए तैयारी करेंगे तो हम अभी मई में अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। मैंने कहा रिजल्ट इतना अनसर्टेन है, आपको कैसे, कई बार हम आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जाके करते हैं कि मन नहीं कर रहा है कि अभी पढ़ाई नहीं हुई है, नवंबर में क्या गारंटी है कि पढ़ाई हो जाएगी या रैंक आ जाएगी। बिल्कुल तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अटेम्प्ट डेफर करते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं, पहले पढ़ लो। अगर किसी के पास 30 दिन भी होते हैं ना, 30 दिन भी बहुत टाइम होता है अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करे तो, और पॉजिटिव रहकर पढ़ाई करे तो। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत कुछ पूजा बदल स्टार्टेड सकता है बिलीविंग इन, सो क्योंकि नाउ पूजा स्टार्टेड बिलीविंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एफर्मेशंस, तो अब पूजा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगी बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्विच करना आना चाहिए बस, अगर कोई आ भी रहा है ना तो स्विच कर दो पॉजिटिव से। बिल्कुल तो अभी तो पूजा एकदम खुश खुश है, फिर अब बाय गॉड्स ग्रेस पूजा की लाइफ में सब बहुत अच्छा अच्छा होगा आगे। बस अभी से कंटिन्यू रखना जो भी आप एफर्मेशंस करी, पॉजिटिविटी करी, और अब जो भी आपको दुखी दिखे, अब पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूजा ने आगे लोगों को मेंटर करना है कि आप खुश रहें, शांत रहें। पूजा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने 18 को तुमसे क्या कहा था, तुम्हें कितने दिन में जॉब मिल जाएगी? 30 डेज के अंदर अंदर और देखो 30 दिन 10 डेज भी नहीं की हुए। तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। कुछ अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आप शांत रहेंगे और शांत दिमाग अपने आप रास्ता ढूंढता है कि आगे मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। सो लास्ट मैसेज पूजा अभी उन्हें देना चाहे जो मई में अपियर कर रहे हैं, कुछ भी लास्ट मैसेज कि वो शांत कैसे रहें, या जो भी आपकी साइड से लास्ट मैसेज आप देना चाहें।
अगर सबसे पहली चीज नेगेटिव नहीं सोचना है, और वो सोचने का नई तरीका यही है कि पढ़ते रहो, क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहता है कि हाँ हम कर लेंगे कर लेंगे। क्योंकि जो रैंक होल्डर्स भी होते हैं इनको भी मतलब कुछ स्पेशल पावर नहीं होती है, ये भी पढ़ पढ़ के इनको कॉन्फिडेंस आता जाता है और वो हो जाती है चीजें। और दूसरी चीज, अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है बीच में, क्योंकि हम हर टाइम खुश भी नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है, पर उसको हमें करना पड़ेगा। मतलब चीजें आप लिखो जो आपको अच्छा लगता है, अपनी हॉबी जरूर साथ में करते रहो, वो सबसे बेस्ट चीज है कि अपनी हॉबी को साथ में आपको करना ही करना है। उससे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है या हम कर रहे हैं, किसी को जैसे खेलना पसंद है तो बिल्कुल जाओ, आधे घंटे करने में कुछ नहीं जाता है यार, पूरे 24 घंटे तो ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ सकता है ना। और मैं तो मैक्सिमम नवम्बर में भी 12 आवर्स ही पढ़ी हूँ, मेरे पास है मेरा स्टडी ट्रैकर, तो मुझे नहीं लगता कि 18 18 घंटे 16 16 घंटे पढ़ के ही निकल सकते हैं वो ग्रुप्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लिए आराम से टाइम निकाल सकते हो, तो वो जरूर निकालना, अच्छे से पढ़ो, और सोचो मत कि अटेम्प्ट छोड़ना है कि क्या करना है, बस अपना बेस्ट दो, यही है आपके हाथ में। दैट्स वंडरफुल एडवाइस. मैं तो कहती रहती हूँ, पर अभी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको बताया तो शायद आप ज्यादा बिलीव करेंगे उनकी बात का. थैंक यू सो मच पूजा फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन तक इस वीडियो के कमेंट्स आएंगे उस पे कीप एन आई. अगर कोई क्वेरी पूछे, अगर मैं रिवर्ट ना कर पाऊँ, कोई आपसे क्वेरी पूछ रहे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी क्वेरी को रिवर्ट कर दें. बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी आप आजकल हेल्प कर ही रही हैं लोगों की. किसी को कोई क्वेरी होती है, पीपल रीच आउट टू यू. सो आई एम वेरी हैप्पी. आपकी लाइफ में अब सब कुछ आगे बहुत अच्छा अच्छा होगा, और जो देख रहे हैं आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा. थैंक यू सो मच पूजा फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच नेहा। बाय.